अगर आपने इंडिया में अकाउंटेंट बनना था तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होती थी, दैट वाज दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन। टोटल 13 पेपर्स में से कुछ पेपर्स आपको डिपेंडिंग ऑन योर सीए जर्नी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। 7 से 8% ही बच्चा पास होता है, तो जो बाकी 93-94% बच्चा रह गया है, स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? अगर एक एक करके भी ACCA के एग्जाम्स दोगे, सीए के एग्जाम्स के साथ साथ बैलेंस आउट करके भी अगर दे रहे हो, तो भी एटलीस्ट विद इन 1 ईयर्स टाइम आप क्वालिफाइड ACCA बन सकते हो। अगर दो दो करके दे रहे हो फॉर दैट मैटर, तो विद इन 6 मंथ्स आप एक क्वालिफाइड, ग्लोबली रिकग्नाइज क्वालिफाइड सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन सकते हो ऑफ 180+ कंट्रीज। अगर आप सीए के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सीए के स्टूडेंट नहीं हो बट सीए के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पर अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी से या ग्लोबल अकाउंटेंसी से कुछ लेना देना नहीं है तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो, वरना ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं कि आपने सीए की जर्नी स्टार्ट क्यों की होगी या क्यों करने की सोच रहे होगे। यस, सीए इज़ द मोस्ट हाईएस्ट रेटेड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन इन इंडिया। पैसा है, पावर है, रिकग्निशन है, सब कुछ है क्वालिफाइड सीए के पास। ट्रेडिशनली स्पीकिंग, अगर आपने इंडिया में अकाउंटेंट बनना था तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होती थी, दैट वाज दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन। कट टू आज की बात करते हैं, मॉडर्न टाइम्स की बात करते हैं। ऐसा कोई कोर्स है जो आपको सीए के साथ या सीए के बाद करना चाहिए या इंस्टेड ऑफ सीए करना चाहिए, बट रिकग्निशन पैसा शायद आपको उससे ज़्यादा दे सके? Yes, there is, and that, my friends, is the ACCA qualification. अगर आप commerce या accountancy background को belong करते हो तो I am 100% sure कि ACCA का नाम आपने सुना होगा। ACCA के बारे में कुछ कुछ आप जानते होगे, नहीं भी जानते होगे तो let me very quickly explain it to you. Yes, ACCA stands for the Association of Chartered Certified Accountants. It's a globally recognized accounting qualification based in UK but recognized in 180+ countries across the globe. Ab ye international recognition ACCA ka itna kyun hai? सिंपल फैक्ट है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन IFRS। अब ये IFRS क्या है? अगेन, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंटेंसी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा। नहीं करते तो लेट मी वेरी क्विकली एक्सप्लेन इट टू यू। IFRS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? जैसे इंडिया में हम इंडियन IAS को फॉलो करते हैं, सिमिलरली अक्रॉस द ग्लोब कंपनीज इंटरनेशनली IFRS को फॉलो करती हैं। बट बिकॉज इसकी रिकग्निशन ज़्यादा कंट्रीज में है, इसीलिए ACCA की भी रिकग्निशन ज़्यादा कंट्रीज में है। ज़्यादा कितनी? 180+ कंट्रीज, लाइक आई सेड। अब सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे रिगार्डिंग जिस टॉपिक पे मुझे ये वीडियो बनानी थी, दैट इज़ एग्जेम्पशंस फॉर सीए स्टूडेंट्स। विच मीन्स, अगर आप क्वालिफाइड सीए हो, अगर आप पार्ट क्वालिफाइड सीए हो, तो ACCA में आपको एग्जेम्पशंस मिलती हैं। येस, यू हर्ड मी राइट, एग्जेम्पशंस मतलब टोटल 13 पेपर्स में से कुछ पेपर्स आपको डिपेंडिंग ऑन योर सीए जर्नी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अभी तक तो आपने एग्री ग्रुपिंग और इन सब चक्कर में अपने एग्जाम्स रिपीट करे होंगे, राइट? बट ACCA में आपको ये पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, एंड दैट टू वेरी ब्यूटिफुली। लेट मी वेरी क्विकली एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एग्जेम्पशंस फॉर क्वालिफाइड सीएस एज वेल एज फॉर पार्ट क्वालिफाइड सीएस। सबसे पहले, अगर आप एक क्वालिफाइड सीए हो, यस, यू हैव ऑलरेडी डन द लोकल क्वालिफिकेशन इन इंडिया, बेस्ड अपॉन दैट आउट ऑफ द टोटल 13 पेपर्स आपको ACCA में फर्स्ट 9 पेपर्स एग्जेम्प्ट होने वाले हैं। विच मीन्स, ना आपको नॉलेज लेवल का एग्जाम देना है, ना आपको
स्किल लेवल का एग्ज़ाम देना है। टोटल 9 पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और तो और जो आपने CA आर्टिकलशिप कर रखी है डैट विल ऑल्सो बी रिकग्नाइज टू वर्ड्स द एक्सपीरियंस डैट इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम एन ACCA मेंबर। तो यस, डबल फ़ायदा है। बट एक सिंपल चीज़ ये करनी है कि प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर्स आपको देने हैं। क्वालिफाइड CA हो, पढ़ने की आपको ऑलरेडी आदत है, सिर्फ आपको क्या करना है, दो दो करके अगर अपने ACCA के एग्जाम्स ख़त्म करोगे तो विद इन 6 मंथ्स यू बिकम अ ग्लोबली रिकग्नाइज सर्टिफाइड अकाउंटेंट डैट इज ACCA। अब क्वालिफाइड CAs ACCA क्यों करते हैं? सिंपल रीज़न है उसका यही कि यस, यू ऑलरेडी आर रिकग्नाइज्ड इन इंडिया बट नाउ यू वांट टू एक्सपैंड योर विंग्स। आपको अगर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आपको ACCA करना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं फॉर दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सबसे ज़्यादा मजॉरिटी में है, एंड दैट इज़ प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द पासिंग परसेंटेज ऑफ द CA क्वालिफिकेशन। CA में मोटा मोटा एवरीबडी नोज कि 7-8% ही बच्चा पास होता है, तो जो बाकी 93-94% बच्चा रह गया है, स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? शुरू से शुरू तो नहीं कर सकते, ACCA becomes your best bet. ऐसा क्यों है? लेट मी एक्सप्लेन द नंबर ऑफ exemptions, द नंबर ऑफ benefits that पार्ट क्वालिफाइड CAs गेट इन ACCA. सबसे पहले तो अगर आपके CA इंटर के दोनों ग्रुप्स क्लियर है तो आपको 5 exemptions मिलती हैं ACCA में। अगर CA इंटर के साथ साथ आपने BCom भी कर रखा है तो आपको 6 exemptions मिलती हैं ACCA में आउट ऑफ द टोटल 13 पेपर्स। अब नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो कि आई फील बहुत मजॉरिटी स्टूडेंट्स उसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इंटर तक तो सबका क्लियर हो ही जाता है, एक या दो अटेम्प्ट या मैक्सिमम 3-4 अटेम्प्ट में तो हो ही जाता है, बट CA फाइनल में आके जो ब्रेक लगती है, जो एक आप अटक जाते हो, दैट इज़ प्रॉबेबली नॉट बिकॉज कि शायद पढ़ाई नहीं करी या शायद मेहनत नहीं करी, देर आर लॉट ऑफ अदर reasons also जिसकी वजह से बच्चा CA फाइनल के लेवल में अटक जाता है। reasons की हम बात नहीं करेंगे, बट हम बात करेंगे कि अगर आप उस कैटेगरी में हो तो देन यू शुड प्रॉबेबली कंसिडर ACCA also. सिंपल, CA फाइनल में आप आ चुके हो, अगर आपने CA फाइनल का कोई अटेम्प्ट दे रखा है, कॉस्टिंग SFM FR ये 3 पेपर्स में किसी भी CA फाइनल के अटेम्प्ट में अगर आपके 40+ मार्क्स आए हैं कभी भी इन डिफरेंट मार्कशीट्स ऑल्सो, तो भी आप ACCA में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। तो मतलब CA इंटर के बेसिस पे 5 एग्जेम्पशन, BCom के बेसिस पे 6 एग्जेम्पशंस, एंड CA फाइनल के 40+ मार्क्स इन कॉस्टिंग SFM FR के बेसिस पे 3 एडिशनल एग्जेम्पशंस, विच मींस टोटल 9 एग्जेम्पशंस इन ACCA यू कैन गेट। टोटल 9 एग्जेम्पशंस किसको मिल रही थी? क्वालिफाइड CAs को मिल रही थी, विच मींस पार्ट क्वालिफाइड CAs ऑल्सो गेट द सेम नंबर ऑफ exemptions, कैन अवेल अप टू द सेम नंबर ऑफ exemptions लाइक अ क्वालिफाइड CA इन इंडिया। अब इससे क्या हो रहा है कि आपकी CA जर्निंग का तो मैं कुछ ऑब्वियसली कंसिडर नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ फोरकास्ट नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ, आपकी ACCA की जर्नी डेफिनेटली फास्ट ट्रैक रूट पर पहुँच जाएगी अगर एक एक करके भी ACCA के एग्जाम्स दोगे। CA के एग्जाम्स के साथ साथ बैलेंस आउट करके भी अगर दे रहे हो तो भी एटलीस्ट विद इन 1 ईयर्स टाइम आप क्वालिफाइड ACCA बन सकते हो। अगर दो दो करके दे रहे हो फॉर दैट मैटर, तो विद इन 6 मंथ्स आप एक क्वालिफाइड, ग्लोबली रिकग्नाइज क्वालिफाइड सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन सकते हो ऑफ 180+ कंट्रीज। किसी भी बिग फोर कंपनी की किसी अकाउंटेंसी डोमेन की जॉब रिक्वायरमेंट पे जाके देखो, और कुछ नहीं तो सिंपल मैं करियर पोर्टल का लिंक भेजती हूँ, उस पे जाके आप लिंक करो, चेक करो द काइंड ऑफ रिकग्निशन दैट ACCAs हैव इन इंडिया राइट नाउ। यू विल कंसिडर दिस एंड यू विल कंसिडर द ब्यूटी ऑफ द ACCA क्वालिफिकेशन। वाई? बिकॉज इसमें CA की तरह कोई एग्रीगेशन नहीं है, कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है, फ्लैट 50% चाहिए एक एग्जाम को पास करने के लिए, और एक एक करके भी आप एग्जाम दे सकते हो, विच मींस कि अगर दो दो करके दे रहे हो तो विद इन 6 मंथ्स आप
ACCA क्वालिफाई कर सकते हो. जो आपने अपनी CA जर्नी में आर्टिकलशिप कर रखी है दैट ऑल्सो विल बी रिकग्नाइज्ड बाय ACCA, विच मीन्स 36 मंथ्स का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है दैट विल बी रिकग्नाइज्ड एज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस. सो डेफिनेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. तो चाहे CA की जर्नी को होल्ड करो, चाहे CA की जर्नी को ब्रेक करो, चाहे CA की जर्नी को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करो, कंसिडर ACCA इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू नॉट फॉर लुकिंग फॉर अ प्लान बी और लुकिंग टू फास्ट ट्रैक योर करियर एंड बिकम अ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट. तो दैट वॉज ऑल अबाउट द एग्जेम्पशंस इन ACCA फॉर CA स्टूडेंट्स. दैट्स इट देन. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस.